आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि यूनिट नंबर वन है ट्वेल्थ क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट तो इलेक्ट्रिसिटी की रेस्ट में स्टडी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो स्टैटिक का मतलब आपको क्लियर हो गया स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट है रेस्ट में इलेक्ट्रिसिटी की जो हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टिक्स कहते हैं जैसे कि आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ा है तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे वेन द ग्लास रोड इज रब्ड सिल्क देन ग्लास रोड रिमूव द इलेक्ट्रॉन एंड दीज बाय द सिल्क यानी कि जब ग्लास रोड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ग्लास रोड गेट्स टॉन्ड ऑफ ड्यू टू मैकेनिकल फ्रिक्शन इस मैकेनिकल फ्रिक्शन की वजह से ग्लास इलेक्ट्रॉन ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टर्न ऑफ हो जाएंगे उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में से और सिल्क उसको गेन कर लेता है ड्यू टू द गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द सिल्क द सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज

एज कम्पेयर टू सिल् अब यहाँ पे कुछ बात उसी से रिलेटेड लिखी गई है silk, power of, power bodies, कि जब ग्लास रोड को हम सिल्क के साथ रख करते हैं तो उसके अंदर एक पावर पावर जनरेट होती है जिसकी वजह से वो लाइट बॉडीज को जैसे स्मॉल पेसेज ऑफ पेपर को एट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है तो ये जो पावर उसको प्रोवाइड हो रही है और जो एजेंसी प्रोवाइड करे उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं द बॉडीज दिस पावर आर से जो इस पावर को अपने अंदर से शो करता है उसको हम इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज बॉडी कहते हैं द इलेक्ट्रिसिटी produced by फ्रिक्शन इज called frictional इलेक्ट्रिसिटी यानी कि रब करने की वजह से अभी हमने कहा ग्लास रॉड कोसिल के साथ रब करेंगे तो इस प्रोसेस को फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इफ़ द चार्जेस इन ए बॉडी डू नॉट मूव देन द फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो ये ध्यान रखना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोथ आर द सेम थिंग अब यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में ग्लास फनेल फ्लैनल और एवोन ड्राई हेयर और यहाँ पर कॉलम टू में भी दिखाए गए मटेरियल्स इन मटेरियल्स को जो इनके साथ रब करते हैं जैसे ग्लास को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा सिल्क नेगेटिव चार्ज तो यहाँ लिखा गया है बॉडी अपियरिंग अर्ली इन द लिस्ट इज अ पॉजिटिवली चार्ज इन द लेटर इज नेगेटिवली चार्ज